हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सबसे शॉर्ट। केआरएस सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि हमने जो चैप्टर लिया है वो लिया है परसेंटेज। ये आपका मैथ्स का एक चैप्टर है और इसमें से हम कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चंस के टाइप आपको पता है कि बहुत सारे होते हैं। ईजी टू टफ आप बोल सकते हो इसको। हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और हम ये कर रहे हैं यूपी SSSC के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपका लेखपाल का एग्ज़ाम और वीडियो आप देख सकते हैं, ये दो एग्ज़ाम्स हैं, तो ये उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ ही आप जो एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें और क्वेश्चंस आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कहनी है कि कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरी इंस्टा ID KRSSShort पर मुझे DM कर सकते हैं। प्रतिशतता से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है या फिर अदर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उसके भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होता है। ठीक है, सिंपली आपको क्वेश्चन जब भी करना हो तो आप पहले देखो कि पूछ क्या रहा है। ये देखो, यहाँ दिया हुआ है 3 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ दिया है 12 ग्राम। बेसिक सा एक रूल आप जानते हो, आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को पता होगी। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, यानी कि 3 ये तो है ही, इसका कितना परसेंट, यानी कि इसका ये आपको कितना प्रतिशत तो पता नहीं है, तो कितने की जगह हम x ले लेंगे। ठीक है, इस कितने की जगह हम x ले लेंगे, तो 3 का कितना प्रतिशत, 3 का x प्रतिशत मतलब अपॉन 100 सिंपली, ये कितना है 12 ग्राम है, यही क्वेश्चन है। देखो बस यही आपका एक स्टेटमेंट इसका बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आपको इसको सॉल्व करना है और देख लेना है तो कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। और भी ये भी ध्यान देना कि 3 किलोग्राम के लिए तो ये किलोग्राम में है और वो आपका ग्राम में है, इस चीज़ को आपको नोटिस कर लेनी है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट के बाद से देखो, ये जो आपका था ये मैंने बताया था किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो देखो यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना, या तो ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में कर लो, या तो ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में कर लो। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कि इसमें ग्राम में है तो ये जो किलोग्राम वाला है इसे हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 3 किलोग्राम कितना हो जाएगा 3000 ग्राम, बहुत सिंपल है, यानी ग्राम में हमने चेंज कर लिया। अब इस 3 की जगह हम लिख सकते हैं 3000, बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हो, 0 0 यहाँ से कटा, ये 0 0 यहाँ से गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/30। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और कट करके छोटा कर सकते हो, देखो ये 3 4 12 और ये 10, और यहाँ से आ गया 0.4। 4/10 को हम लिखेंगे 0.4। ऑप्शन देखिए, पहला है 0.6, दूसरा है 0.5, तीसरा है 0.4, यहीं पर मिल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नोटिस करने वाली बात, आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। और कभी भी जैसे ये वाला स्टेटमेंट मैंने बताया ना पहले वाला, तो पहले वाले अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो किलोग्राम में लिखा हुआ है ये ग्राम में लिखा हुआ है, सॉल्व करने के लिए हमें यूनिट दोनों सेम चाहिए होती है। ठीक है, चलिए पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे और फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, ऑप्शन देखो, पहला 25%, दूसरा 20%, तीसरा जो है 30% और चौथा जो है 40% है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रही हूँ आपको कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, ए की आय बी की आय से इतना अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगी, ये तो लॉजिक है ना भाई। अगर ए बी से अधिक है तो बी ऑटोमेटिकली ए से कम हो जाएगा। लॉजिक क्या है कि इस तरह का निकालना हो अगर आपको, तो आप क्या करोगे, सीधे जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है आर अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 100, बस प्रतिशत। ये आर क्या है, ये जो परसेंट दिया हुआ यही है। अब आप फिल कर लो वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 25 आर की जगह रखेंगे, 100 प्लस 25 और मल्टीप्लाई बाई 100 और ये आपका परसेंटेज। अब आप देख लो, 25 अपॉन 125 इंटू 100, आप इसे कट करेंगे, देखो 25 ये 5 टाइम चला जाएगा
और ये 5 to the 10 यानी कि 20% यहाँ से इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही बैठ रहा है, ठीक है, 20% जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है ना, ये जो आपका था ये मैंने किया है एक शॉर्ट ट्रिक से। अगर एक बेसिक तरीका, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या शॉर्ट ट्रिक आप एग्ज़ाम में भूल रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है इसमें, सिंपली आपको ए और बी पता है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय अधिक है ना, ये वाली ए, ये अधिक है कितना, बी से। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, इससे 25% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। भाई सिंपल तरीका यही होता है करने का, ठीक है, देख लो भाई कितना अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, सिंपल, बी ए से कितना कम है, तो देखो ए 125 बी 100, तो कितना अंतर हो रहा है दोनों में, 25 का अंतर हो रहा है। पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो नीचे 125 गुणा 100, तो ये 25 25 125, और ये 5 to the 10 और 0, तो 20% यहाँ से भी आ गया। मतलब दोनों तरीके से, ये आपका पहला मेथड शॉर्टकट, और ये दूसरा, ये आप जो है नॉर्मल मेथड जो होता है करने का उससे करेंगे, तो दोनों तरीके से आपका आंसर जो है 20% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ से है कि मानू को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया और वो 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया। आपको पूर्णांक बताना है, ऑप्शन है 60, 100, 50 और 75। तो पूर्णांक सबसे पहले, तो पूर्णांक अगर याद करना है तो हम सपोज कर लेते हैं जो ये पूर्णांक है ना, ये कितना है, x है, ठीक है। अभी देखो ये जो बच्चा है मानो, इसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था, 36%। तो 36% किसका, जो भाई पूर्णांक है उसी का। तो अगर आपको 50% नंबर चाहिए कहीं पास होने के लिए, तो किसका 50% चाहिए होता है, जो पूर्णांक होता है, यानी कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो 100 में 50 आपको चाहिए होता है, यानी कि 100 का 50% कितना होता है, 50। तो वैसे ही अगर यहाँ पूर्णांक हम x ले लेते हैं, तो x का कितना परसेंट चाहिए था, 36, x का 36% उसको चाहिए था, ठीक है। उसे मिला कितना, उसे 24% अंक मिले, 24% किसका मिला, x का ही तो मिला, x का 24% उसने गेन किया, ठीक है। चलो ये भी ब्रैकेट में कर लो, जो क्वेश्चन कह रहा है देखो बस वन बाय वन स्टेटमेंट से लिख रहे हैं। जब उसे x का 24% मिल गया तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 9 से, यानी कि अगर उसे 9 अंक और मिले होते तो वो कितना हो जाता, x का 36% प्राप्त कर लेता। यानी कि x का 24% तो प्राप्त किया है, लेकिन अगर इसमें 9 अंक और जुड़ जाते तो वो कितना पा लेता, x का 36% पा लेता और वो पास हो जाता। ये आपका स्टेटमेंट बना, ये आपकी कंडीशन बनी। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आप आराम से सॉल्व करें इसको, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, देखो सिंपली अब आपका या तो इस वाले को इधर लेके चले जाओ, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तरीका यही है करने का, और कोई तरीका समझ में आ नहीं रहा फिलहाल। चलो तो ये आपका हो गया, इसे जो है आप 36x/100 नॉर्मली लिख लेना, ताकि बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, और ये इधर लेके आओगे तो ये 24x/100 हो गया, ये आपका 9। अब आप सॉल्व कर लो, तो ये देखो कितना आएगा, 3 में से 2 1 और ये 12, तो सीधे सीधे जो है 12x/100 = 9 हो गया। चाहो तो 9 या 12 को कट कर लो, नहीं करना है तो यहाँ कर लेते हैं। 12x की वैल्यू हो गई 900 और यहाँ से x हो गया 900/12, ठीक है। तो 900/12 है, इसे आप कट कर लें तो कितना हो जाएगा, ये देखो 12 7 जा 84 और 6 बचा 12 5 जा 60, यानी जो x की वैल्यू है, यानी जो पूर्णांक हमारा आ रहा है वो आ रहा है 75। और आप देखिए ऑप्शन पहला 60 है, दूसरा 100, तीसरा 50 और चौथा है 75, यानी जो पूर्णांक बच रहा है वो है 75, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं, पहले समझेंगे वन बाय वन, लाइन को समझ लीजिएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक सोफा का जो अंकित मूल्य है, इसमें 8% की कटौती करने पर इसका जो मूल्य होता है वो ₹4600 यानी कि 4600 हो जाता है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। सपोज कर लेना आप इसका, है ना, सपोज कर लेंगे हम सीधे सीधे कि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, ₹1, ठीक है।
इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, रुपए एक्स। अब देखो अंकित मूल्य जब आपने माना है कि अंकित मूल्य इसका एक्स रुपए है, तो अब इस जो मेज का विक्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, अंकित मूल्य में आपने कटौती कर ली है 8% की, ठीक है, कटौती करी है, उसके बाद जो इसका विक्रय सॉरी इसका उसके बाद जो इसका मूल्य है वो कितना आ रहा है, 4600 आ रहा है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 100 में से आप इस 8% को माइनस करेंगे यानी कि 92%, यानी कि एक्स का 92%, ठीक है, एक्स का 92% यानी जो विक्रय मूल्य हो गया मेज का वो कितना हो गया, समझ लेना, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका 92x/100। इसे आप थोड़ा चाहो तो छोटा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 23/100 सॉरी 23/25x, ठीक है, ये आपका 4 से जो है कट रहा है, दोनों मैंने कट किया है, 23/25 आया। अब देखो अंकित मूल्य x लिया, विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 23x/25। अब ये जो विक्रय मूल्य है ये किसके बराबर दिया हुआ है भाई, इसी का मूल्य तो दिया हुआ है आपको 4600, तो जब इसी का मूल्य दिया हुआ है 4600, 23/25x को हम लिखेंगे 4600 के इक्वल, और यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, तो सीधे सीधे 23 से आप कट कर लेना, ये देखो ये 2 times चला जाएगा, तो 23 2 times गया 46, और ये जो 2 0 बचा ये मैंने यहाँ उतार लिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5000। और x की वैल्यू 5000 आने का मतलब है कि x हमारा क्या था, अंकित मूल्य था, और अंकित मूल्य हमेशा जो मूल्य होता है हमेशा रुपए में होता है, यानी जो ये वैल्यू आई है वो आई है रुपए 5000। अब देखो 5000 जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ से जो अंकित मूल्य होगा सोफा का वो हो जाएगा आपका रुपये 5000। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक मशीन है उसे 1,20,000 रुपये में खरीदा गया है, 10% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन मतलब ये घट रहा है, ठीक है ना, किस हिसाब से घट रहा है, 10% वार्षिक दर के हिसाब से, तो 2 वर्ष के बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है, खरीदा तो गया था 1,20,000 में, ठीक है, और 10% वार्षिक दर से इसका मूल्य जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य, तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला आपको पता होगा, इसमें वो रूल हम लगाएंगे 2 वर्ष बाद का चूंकि निकालना है, तो देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है 4, आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहे होंगे, तो सिंपली आप 1,20,000 ये लिख लेना, ठीक है। अब देखो कटौती कितनी हो रही है, 10% की, यानी कि जब भी आपको फॉर्मूला पता होगा, जब आप रेट कैसे निकालते हैं, जिस तरह से निकालते हो, इसमें आप क्या करते हो, जब भी दर वाली बात आती है तो आप कैसे लिखते हो उसे, ये इस तरह से लिखते हो, 1 - रेट कितना है 10/100, ठीक है, कटौती हो रही है इसलिए। अभी अगर यही चीज़ जो है वो प्लस होती है यानी कि बढ़ जाती, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस की जगह पे प्लस ले लेते, ठीक है, यहाँ पर हम माइनस की जगह पे प्लस ले लेते, जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, तो वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 1 - 10/100 टाइम कितना है 2 ईयर्स का, इतना ही बनाना था, और ये सॉल्व हो जाएगा 1,20,000, ये 100 यहाँ आ जाएगा एलसीएम लेने पर, तो 100 - 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि 90/100, और ये 2 बार है तो यहाँ भी 90/100, सॉल्व करने पे देख लीजिएगा, ये 4 0 है तो यहाँ से 4 0 हम ख़त्म करेंगे, अब आप देख सकते हैं ये 8100 × 12, ठीक है, 2 × 2 लास्ट में जो है आपका 2 आएगा और साथ में 2 0 आएगा, तो लास्ट में 2 और 2 0 देखो इसी वाले ऑप्शन में है, यानी कि ये हो गया आपका रुपये 9720। आप चाहिए तो 81 और 12 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखो 16 और ये 1 और 8, 972 हो गया, और 2 0 देखो यहाँ पे आया हुआ है, ये वाला 0 हमने यहाँ से ले लिया है,
तो यहाँ से जो इसका मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 97,200, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारुल के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर पारुल को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको दो बार प्रतिशत दिख रहा हो, ठीक है, एक बार ये दिख रहा है एक बार यहाँ दिख रहा है, क्या है, एक आपका फॉर्मूला होता है, देखो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। एक्स क्या है, पहला वाला परसेंटेज, वाई क्या है, दूसरा वाला। अब देखो एक्स किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो प्लस 20%। वाई किसके साथ है, माइनस के साथ, क्योंकि कमी कह रहा है, तो माइनस 20%। अब क्या है, एक्स वाई है, ठीक है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 20 × 20/100। ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया, और ये कितना बचा आपका, माइनस साइन रहने दो, ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो, यानी कितना है, -4%। ये 4% जो है पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा था, लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ और हानि दोनों पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 4% के नाम से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी, तो यही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन और दिया होता, एक 4% और एक -4%, तब आपको ऑप्शन जो है -4% सही होता, क्योंकि आपको हानि हो रही है और वो शो कर रहा है ये माइनस साइन। इस फॉर्मूले को एकदम रट लें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसे ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है, जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है, अगर उस तरह से भी आप देखना चाहते हैं तो देख लें कि किस तरह से हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि जो पारुल का प्रारंभिक वेतन है, स्टार्टिंग जो इसका सैलरी है ना, प्रारंभिक वेतन वो कितना है उसका, ₹1, या फिर एक्स नहीं 100 मान लो, चलो सीधे सीधे लेके चलते हैं, ₹100, ठीक है। कह रहे हैं 20% वृद्धि हो रही है, यानी जब वृद्धि होती है उसके बाद से वेतन कितना हो जाता है, भाई पहले 100 था, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब कह रहा है कि कम करने पर वेतन, तो कितना प्रतिशत कम हो रहा है, 20% कम हो रहा है ना, तो कम करने पर वेतन कितना होगा, तो कम करने पर जो वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120 का कितना, भाई वृद्धि वाला वेतन 120, कितना कम करना है, 20%, यानी कि इसका 80%, तो ये कितना हो गया आपका, 120 का 80% निकाल लो, 0 0 कटा 0 0 कटा, और ये आ गया आपका 96। तो अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ, तो पहले कितना था आपका प्रारंभिक वेतन, 100 था, बाद में कितना हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है, तो जब 100 में से 96 को आप माइनस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा, जो कि आपका शो करेगा कि कितने की हानि हुई, 4% की हानि हुई, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, ठीक, वाष्प के द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, ये आपको बताना है। 6% ऑप्शन दिया है, 5%, 4% और 3%। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो चीज़ें कह रहा है पहले वो कर लो। घोल कितने का है आपका, 6 लीटर का, तो 6 लीटर में कह रहा है कितना नमक है, 5%, तो नमक की मात्रा पहले देख लो, ठीक है। 6 लीटर में नमक की मात्रा, ठीक है, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना होता। तो 6 का 5% निकाल लीजिए आप, कितना हो गया ये आपका, 3/10 लीटर, ठीक है, कैसे हो गया समझ रहे होगे, ये देखो यहाँ से ये, ठीक है, और ये 3 और ये 10, तो 6 लीटर घोल में जो नमक की मात्रा है वो 3/10 लीटर। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी निकाले जाने पर, 1 लीटर पानी निकाल लिया गया, ठीक है भाई, 1 लीटर पानी निकालने पर घोल कितना होगा आपका, 1 लीटर पानी निकाला गया तो घोल कितना हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, भाई पहले 6 लीटर घोल था, 1 निकाल लो तो कितना आ जाएगा, घोल जो बच रहा है वो बच रहा है 5 लीटर का, ठीक है, तो 5 लीटर में नमक कितना है, 3/10, ठीक है, 5 लीटर में नमक कितना है,
3/10 लीटर। ठीक है, तो नमक का प्रतिशत निकालना है आपको कि कितना प्रतिशत नमक है। तो नमक का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, 3/10। ठीक है, 3/10 तो होगा ही, और क्या हो जाएगा आपका, ये जो 5 लीटर है इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1/5। और परसेंटेज किसमें निकालते हैं हमेशा, 100 में। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका देखिए, ये 0 0 यहाँ से कटा और ये आपका 5 2 10 गया और 3 2 6% यानी कि 6% आया आपका इसका आंसर। और 6% देख लो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कभी भी कोई इस तरह का क्वेश्चन लगे कि थोड़ा टफ है तो 1/1 स्टेटमेंट को पढ़िएगा और उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन है आपका 3600 का 7/9 का 45% का 35%। तो ये तो बहुत सिंपल है, सभी लोग कर लेंगे। 3600 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 7/9, 45% यानी 45/100 इंटू, यानी का मतलब गुणा होता है, ध्यान रखिएगा, का 35%। अब आप सॉल्व करिए, 0 0 यहाँ से कट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी जो नंबर था जैसे 9 4 36, और ये देखो जो ये नंबर है 100 वाले, इसे कर लेंगे पहले। तो इसे हम करते हैं, ये आपका देखो ये 20 टाइम्स गया और ये 9, फिर यहाँ से आपका 7 और ये 4, 4 से ये 4 चला गया, यानी कि आपका आ गया 7 7 जा 49 और मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, 9 9 जा 81 और ये 8, 9 4 जा 36 और 8 आपका हो गया 44। तो यानी कि यहाँ से जो इसका आंसर आएगा आएगा 441, और 441 जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देंगे, खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी इसे हम जो है अपना नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप नॉर्मल तरीके से करें। तो सबसे पहले देखो हमें निकालना होगा कि कुल मूल्य कितना है। ठीक है, तो कुल मूल्य निकालने का तरीका है, जैसे खपत कितनी हो रही है। सबसे पहले मान लो कि हम सपोज कर लेते हैं कि पहले जो खपत हो रही है, ठीक है, वो कितनी हो रही है हमारी, वो हो रही है 100 की। ठीक है, और पहले सबसे पहले जो है वो भाव कितना है, वो आपका है 100 रुपये। ठीक है, तो खपत भी 100 है और भाव भी 100 है, तो पहले का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो मूल्य हो जाएगा आपका 100 × 100 हो जाएगा, यानी कि ₹10,000। क्लियर हो गया। यहाँ से कह रहा है आपको नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि अब खपत की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि खपत में हम कमी कर रहे हैं, ठीक है ना, कमी करने कह रहा है ना खपत में, तो कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्च ना बढ़े। तो हम मान लेते हैं कि हम एक्स प्रतिशत की खपी इसमें जो है खपत में कमी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो हैं जो कमी कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्स प्रतिशत की। तो खपत में कमी कितनी कर ली है हम लोग, कमी करो पहले, ये हुआ आपका 100 - x। जब खपत में कमी कर दिया तो भाव कितना हो जा रहा है, देखो किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हो जा रही है। पहले भाव 100 था, अब वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया, ₹120। क्लियर है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो मूल्य हो जाएगा आपका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही करना है जो ऊपर किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रुपये, ये देखो 12,000 - 120x। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों को यानी जो पहले मूल्य था और जो बाद में मूल्य हुआ, दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो कर लीजिए, तो ये आपका हो गया यहाँ से 12,000 - 120x, ये हो गया 10,000 के बराबर। अब 10,000 को इधर लाना, तो माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 2000x = 120x, और ये 2000x नहीं होगा, सिर्फ 2000 होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2000 / 120।
ठीक है, 0 0 कट गया। अब इसे आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50/3, 4 से कट कर देना, ठीक है। 4 5 से 20 और 0 और 4 3 12, 50/3 को आप थोड़ा रिड्यूस कर लेना, ये आ जाएगा 16 वोल्ट 2/3। ये परसेंटेज है और ये बता रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत कमी कर दे, तो 16 होल 2/3 कम करेंगे तो उससे खर्च नहीं बढ़ेगा। और ऑप्शन देखो, ये बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ से एकदम सही जाएगा इस पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको कह रहा है यहाँ पे कि यदि ए का 60% जो है वो बी के 3/3, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, ए का मतलब मल्टीप्लाई और ये 60% यानी 60/100, और बी का मतलब मल्टीप्लाई और 3/4, ठीक है। 0 0 कट कर दो यहाँ से, चाहो तो 6 और 10 को भी कट कर दो, नहीं चाहते हो तो रहने दो। अब यहाँ पे लाके देखो, बी से डिवाइड कर लो, बी से डिवाइड किया तो ये हो गया 3/4, और इधर डिवाइड हो जाएगा 6/10 से, तो देखो ए बाई बी, और ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 10/6, तो 3 2 6 हुआ, और 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि 5/4। और 5/4 देखो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 5:4। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले टेलीग्राम पे सेंड किए थे आप लोगों को, और वहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व करके देखें कि आप कब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, ठीक है। चलो लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।